तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब? तो गाइस एकदम दोबारा से खेलने वाले यहाँ पर GTA 5। और गाइस आज मैं यहाँ पर अपनी ओल्ड इंडियन कार वर्सेस न्यू इंडियन कार के बीच में चैलेंज करने वाले हैं। तो गाइस आज का जो अपना चैलेंज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज का अपना चैलेंज यहाँ पर होने वाला है ब्रोकन रोड गैप चैलेंज। तो जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना है, आज का चैलेंज जो है यहाँ पर ब्रोकन रोड होने वाला है। बट गाइस साथ ही साथ में जो है यहाँ पर गैप भी होने वाला है। तो मैं तुम्हें लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई मैं इसको कैसे समझाऊँ। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो, स्टार्टिंग में जो है भाई अपना ट्रैक नॉर्मल दिख रहा होगा, बट आगे जैसे जैसे भाई अपना ट्रैक बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि यहाँ पर जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एंड नीचे इसी के साथ जो है लेवल्स लगे हुए, कोई 10 है, 11 है, 12 है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है इसका डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो देखते गाइस सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस तक जो है भाई कौन सी गाड़ी आज पहुंच पाती है। और सबसे सबसे हार्डेस्ट है भाई 25। तो 25 तक जो भी गाड़ी भाई विनर मतलब कर जाएगी वो आज के चैनल में क्लियर विनर होने वाली है। तो देखते हैं गाइस कौन सी गाड़ी करेगी, एंड फटाफट से जो है आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम लोग शुरुआत करते हैं गाइस अपने ओल्ड वाली मॉन्स्टर बीस्ट एंडओवर के साथ में गाइस, एंड लेट्स गो। देखते हैं भाई एंडओवर कितने हाईएस्ट गैप तक जा पाती है। एंड ये चली भाई अपनी एंडओवर, बहुत बढ़िया जा रही है, बहुत सही। एंड ओ शिट, नहीं 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 गाइस, भाई अपनी एंडओवर बस लेवल 10 तक क्रॉस करिए, मतलब लेवल 11 मान लो, ठीक है, लेवल 11 पे जो है भाई अपनी एंडओवर आई है। बाकी अगली गाड़ी का देखते हैं गाइस क्या सीन होता है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपने न्यू वाली एंडओवर गाइस, एंड चलो भाई देखते हैं न्यू एंडओवर गाइस कहाँ तक जो है गैप कवर अप कर पाती है। तो ये चली न्यू एंडओवर, ओ शिट भाई ये क्यों गया, फ्रैंकलिन सीधे बाहर, एंड फ्रैंकलिन लेवल 10 पे आके गिरा है। बट गाड़ी जो है गाइस लेवल लेवल 10 ही मान लो, ठीक है, क्योंकि वो वाला 9 होने वाला है। हाँ तो लेवल 10 और 9 के बीच में है गाइस न्यू वाली एंडओवर। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी ओल्ड वाली, नहीं ओल्ड वाली तो नहीं है, ये अपनी XUV 500 है। वैसे ये पुरानी XUV 500 है, क्योंकि आप आई थिंक से नई XUV 500 आ चुकी है, बट तुम्हारे भाई के पास में फिलहाल तो यही है। तो देखते हैं गाइस ये कहाँ तक पहुँच पाती है। एंड ओके बढ़िया जा रही है, ओ नो गाइस, भाई मेरे को लग रहा है ये जो एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट सबसे हार्डेस्ट पॉइंट रहने वाला है। मतलब इसके आगे शायद ही बहुत रेयरली गाड़ियां पहुंच पाएंगी, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो दो गाड़ियां बैक टू बैक सेम डिस्टेंस पे आके गिर चुकी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है अपनी XUV 700 गाइस, और लेट्स गो XUV 700, कम ऑन यार, ये भाई मेरे को लग रहा है ज़्यादा दूर तक जाएगी। ओ भाई काफ़ी लंबा उछाल मारा, बट भाई ये मैं कैसे कर रहा हूँ गाइस, ये लेवल 9 और 10 के बीच में भाई तीन गाड़ियां बैक टू बैक आके गिरी हैं। अभी अगली गाड़ी का देखते हैं गाइस क्या सीन होता है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी टाटा सफारी डाइकोर, और भाई पुरानी गाड़ी है गाइस, तो होप है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाए, लेट सी क्या सीन रहता है। एंड भाई भाई ये जो ओ भाई टाटा सफारी डाइकोर तो 9 और 8 के बीच में है गाइस, ओ शिट, ये तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई लगाई थी इस गाड़ी से, बट ये एक्सपेक्टेशन पे भाई खरी नहीं उतर पाई। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस न्यू वाली टाटा सफारी, एंड देखते हैं गाइस न्यू टाटा सफारी भाई कितने हाईएस्ट डिस्टेंस तक पहुंच पाएगी, लेट सी यार, प्लीज़ यार, न्यू टाटा सफारी से मेरे को उम्मीदें बहुत हैं। बट भाई ये गाड़ी का सेम भाई ओल्ड टाटा सफारी डाइकोर के बराबरी हिसाब किताब रहा है, तो हाँ बोल सकते हैं नई और पुरानी सेम ही परफॉर्म करी है भाई। गाइस अभी हम लोग लेके जाने वाले हैं ओल्ड वाली महिंद्रा थार को गाइस, और लेट्स सी यार ओल्ड महिंद्रा थार भाई कहाँ तक पहुँचने वाली है यार, मेरे को कोई आइडिया नहीं है गाइस, मजाक से हट के मेरे को सीरियसली नहीं पता कि कौन सी गाड़ी कहाँ तक जाएगी। और ये गाड़ी भी जो है लेवल 8 और 9 के बीच में आके लैंड हुई है। तो गाइस अभी हम लोग न्यू वाली थार को लेके जा रहे हैं, और भाई देखते हैं न्यू थार यहाँ पर कितने हाईएस्ट डिस्टेंस तक जाती है, लेट्स सी। एंड ओ भाई ये क्या हो गया भाई न्यू थार, अरे यार बहुत सही जा रही थी, बहुत सही। एंड अरे भाई पानी में नहीं जाने का हो रहा है, अरे बाबा। और भाई ये गाड़ी भी जो है 9 और 10 के बीच में आके लैंड हुई है, मतलब एक तरीके से 10 मान लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग लेके जा रहे हैं भाई पुरानी वाली टोयोटा इनोवा को, और लेट सी गाइस ओल्ड इनोवा क्या पता कुछ जलवा उठा के दिखा दे भाई। अबे यार मैं तो भूल गया था भाई इस गाड़ी के साथ का पंगा है, और वो पंगा इसको नंगा कर देता है हर बारी का ही, मतलब इसका सेम सीन है गाइस। तो ये गाड़ी 6 और 5 के बीच में आई है। तो गाइस अभी हम लोग न्यू इनोवा क्रिस्टा को लेके जा रहे हैं, पुरानी वाली तो मतलब नंगा हो गई थी, मतलब उसने पंगा गलत ले लिया था। अभी इस गाड़ी का सीन देखते हैं क्या होता है गाइस, ये मेरे को लग रहा है ये काफ़ी मतलब उससे तो बेटर ही परफॉर्म करेगी जहाँ तक है,
फिलहाल लेट सी, देखते क्या होता है। बढ़िया जा रही है भाई इनोवा, न्यू इनोवा बढ़िया गई है, बेहतरीन। और भाई ये प्रॉपर लेवल 11 तक आई है गाइस, सो लेट्स गो यार। इनोवा काफी बढ़िया परफॉर्म कर चुकी है गाइस। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर को लेके जा रहे हैं गाइस, और लेट्स सी टोयोटा फॉर्च्यूनर कितने हाईएस्ट डिस्टेंस को कवर कर पाती है। एंड ये चलिए टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड ऑल लाइट, ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं है परफॉर्मेंस गाइस यहाँ पर, ये लेवल 9 और 10 के बीच में आके गिरी है यार। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर गाइस, और भाई नए मॉडल में से आई है लेजेंडर। लेट्स सी क्या रहता है इसका सीन गाइस, और बहुत बढ़िया जा रही है लेजेंडर, बहुत ही ज़्यादा सही आई है। बट अबे यार मेरे को लगा था भाई ये सारी गाड़ी को क्रॉस करी होगी, बट नहीं, ये सेम भाई इनोवा और एंडोवर के बराबर, मतलब सेम लेवल पे ही आके लैंड हुई है। तो गाइस अभी हम लोग लेके जाने वाले हैं अपनी गैंगस्टर S11 गाइस, एंड लेट्स गो भाई। गैंगस्टर S11 क्या ओपी हो पाएगा, देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल ये चलिए S11 बढ़िया जा रही थी, और एक बहुत बढ़िया उछाल, और गाड़ी जो है भाई यहाँ पर 9 लेवल 9 पे एग्जैक्ट आके गिरी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी स्कॉर्पियो N, एंड लेट्स गो। बिग डैडी SUV आ चुकी है मैदान में गाइस, और देखते हैं गाइस क्या सिनेरियो रहने वाला है यहाँ पर। एंड बढ़िया जा रही है स्कॉर्पियो N, लाजवाब, बट ज़्यादा लाजवाब नहीं हो पाया। ये गाड़ी 10 और 11 के बीच में आके गिरी है, तो लाइक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं ज़्यादातर गाड़ियाँ सेम लेवल पे आके लैंड हो रही है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी देसी महिंद्रा बुलेरो गाइस, और भाई बुलेरो का देखते हैं क्या सीन रहता है, ये कितने डिस्टेंस तक जा पाती है, मतलब कितना हाईएस्ट गैप फिलिंग कर पाएगी ये गाड़ी, देखते हैं भाई। ओ ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है गाइस, ये 9 और 10 के बीच में, मतलब एग्जैक्ट 10 पे आके ये गिरी है। तो गाइस अपने चैलेंज की हम लोग लास्ट गाड़ी ले जा रहे हैं, और ये है गाइस अपनी नई वाली महिंद्रा बुलेरो नियो गाइस, एंड लेट्स सी नियो क्या पता भाई सबसे अलग निकल के आ जाए, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई फ्रैंकलिन भैया बाहर, और गाड़ी जो है गाइस सीधे आके लैंड हुई है कौन से भाई 7 और 8। हाँ भाई इस गाड़ी ने सबसे अलग ही लेवल निकाल के दिखाया, मतलब तुम लोग देख सकते हो ये गाड़ी सबसे डिफरेंट नंबर पे आई है भाई। मोस्ट ऑफ द गाड़ी क्या बोलते हैं 8 और 9 के बीच में, कोई 10 और 9 के बीच में, कोई 10 और 11 के बीच में, बट वो गाड़ी सबसे अलग नंबर पे है जो कि है भाई अपना 7 और 8 का। तो भाई अपना नियो ओपी हो जाए, क्योंकि ये गाड़ी सबसे लाइक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं सबसे, अगर इनोवा को अपना ग्लिच गाड़ी को साइड में करा जाए तो महिंद्रा की बुलेरो नियो जो है भाई सबसे पीछे आई है भाई इस चैलेंज में। और बाकी भाई अपना क्या बोलते हैं 25 लेवल तक जाने का सपना भाई सपना ही रह गया, क्योंकि अपनी गाड़ियों से लेवल क्या बोलते हैं 11 के आगे नहीं हो पाया। एंड बाकी गाइस आज की वीडियो एंड करते हो, और तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।